हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम माइग्रेन के थ्रेड से बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग प्लांट हैंगर या लॉन्ग फ्लावर हैंगिंग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है दो कलर के माइग्रेन कॉर्ड, ऑफ वाइट एंड रेड कलर का माइग्रेन कॉम्बिनेशन। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मीडियम साइज़ के ग्रीन कलर के बेल्स मैंने यूज़ किए हैं। डॉट शेप के बीड्स मैंने ग्रीन कलर के यहाँ पे यूज़ किए हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 5 इंच का एक रिंग और एक मैंने यहाँ पे लिया है 3 इंच का रिंग। हमें हमेशा की तरह लाइटर चाहिए, सीजर चाहिए। सो फ्रेंड्स, यही मटेरियल हमें माइक्रीम फ्लावर वॉल हैंगिंग बनाने के लिए चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस माइक्रीम के फ्लावर वॉल हैंगिंग डिजाइन को बनाना। कॉर्ड लिए हैं और ये हमारी कॉर्ड जो है 4 मीटर की है, तो ये एक तरफ का एंड मैंने लिया है इस तरीके से। और अब हम कॉर्ड को इस तरीके से आगे की तरफ में करते जाएंगे और इस तरीके से हम आगे की तरफ में सेंटर जो है इसका निकाल लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैंने ऑफ वाइट कलर की एक्स्ट्रा कॉर्ड लिए है। ये कॉर्ड मैंने इसके नीचे से ले करके यहाँ पे इस तरीके से हम नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से सिंपल स्क्वायर नॉट हमें यहाँ पे लगा लेना है और इसको हम ऊपर की तरफ में इस तरीके से कर देंगे। और ये जो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ये हमें एक हाइट तक यहाँ पे नॉट लगा लेना है। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब ये हो जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से हम यहाँ पे सारी की सारी कॉर्ड को खींचेंगे, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऊपर की तरफ में गैप वगैरह बना हुआ है, ये यहाँ पे ये गैप जो है वो सब यहाँ से चला जाएगा। सो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे किया है और ये जो हमने कॉर्ड यहाँ पे इस तरीके से बनाया है वो कॉर्ड मैंने कट कर दिया है। अब हम इसको लाइटर की हेल्प से यहाँ पे इस तरीके से एक बार आगे की तरफ में कॉर्ड को हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे और ये जो कॉर्ड रहेगी दूसरी तरफ की कॉर्ड, इसको हम पीछे की तरफ में स्टिक करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे इसको हम पीछे की तरफ में स्टिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कॉर्ड है, ये जो हम यहाँ पे इस तरीके से बीच की तरफ में ये हम ऑफ वाइट कलर की कॉर्ड को रख लेंगे। बीच में आपको ऑफ वाइट कॉर्ड को रख लेना है और अब हम ये रेड कलर की जो कॉर्ड है ये लेकर के यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बस मैं सिंपल नॉट ही यहाँ पे लगा लेनी है हमें इस तरीके से। सो एक तरफ में हम यहाँ पे रेड कलर की जो कॉर्ड है इसके साथ एक हाइट तक यहाँ पे हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे 25 टाइम्स हम इस तरफ में नॉट लगाएंगे। तो इसी तरीके से यहां पे हम 25 टाइम्स नॉट लगा लेंगे।
सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 25 टाइम्स नॉट्स लगा दिए हैं। अब हम ये चारों के चार कॉर्ड के अंदर इस तरीके से ये बीड्स को फंसा लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बार ये बीड्स फंसाने के बाद ये हम येलो जो कॉर्ड है हमारी, रेड कलर की कॉर्ड है, उसको हमें अंदर की तरफ में रखना है, और ये जो हमारी ऑफ वाइट कलर की कॉर्ड है उसके साथ हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। सो ये जो डिज़ाइन रहेगा ये हमें इस तरीके से बनाना है। 5 times हम एक ही तरफ से नॉट लगाएंगे, तो ये स्पाइरल नॉट्स यहाँ पे लगेगी इस तरीके से। तो हम ये 5 times जो है एक तरफ ही नॉट लगाएंगे और ये अपने आप इस तरीके से टर्न होती जाएगी। और ये जो हम नॉट यहाँ पे लगाएंगे इसको हमें 25 times यहाँ पे नॉट लगा लेना है। सो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे आगे में यही नॉट जो है इसी को रिपीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी स्पाइरल नॉट्स लगे हैं। मैंने 30 times यहाँ पे स्पाइरल नॉट्स लगाए हैं, 30 times। अब हम फिर से यहाँ पे वही जो है प्रोसीजर रिपीट करेंगे। 2 beads को यहाँ पे मैंने फंसा लिया है। अब हम ये जो है येलो हमारी जो कॉर्ड है, ऑफ वाइट कॉर्ड, इनको हम अंदर की तरफ में रख लेंगे और रेड कलर की कॉर्ड के साथ यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। सो सेम प्रोसीजर है जैसे हमने ऊपर यहाँ पे रेड कलर की कॉर्ड के साथ डिज़ाइन बनाया था, एज इट इज़ यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार डिज़ाइन बना लेना है। सो यहाँ पे हमें इस बार 25 times वही हम यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे जैसे हमने ऊपर बनाया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम 25 times ये जो नॉट है वो बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारी कॉलम बन गई। अब हम सेकंड कॉलम बनाएंगे। सो यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरीके से प्रोसीजर कर लेना है। सो यहाँ पे भी हम सबसे पहले 25 times यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और सेम जैसे हमने फर्स्ट वाली लाइन बनाई है, कॉलम बनाई है, उसी तरीके का ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे हम रिपीट करते जाएंगे।
सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी कॉर्ड लगने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है 4.5 इंचेस का एक रिंग। ये मैंने एक रिंग लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो कॉर्ड रहेंगी हमारी, सभी कॉर्ड को हम इस तरीके से इस रिंग के अंदर से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम एक जो कॉर्ड रहेगी यानी कि कॉलम की कॉर्ड है उसको हमें एक सिंगल कॉर्ड को 2 times यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेना है, जिससे कि यहाँ पे ये जो हमारी रिंग रहेगी वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी इस तरीके से। सो एक सिंगल कॉर्ड को यहाँ पे हम 2 times इस तरीके से निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कॉल्यूम जो है इस तरीके से ले लिया है और अब इस कॉल्यूम को भी हम यहाँ पे इसी तरीके से अटैच करेंगे, यानी कि एक कॉर्ड को 2 times इसमें से निकाल लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ पे बाकी की 2 columns भी अटैच करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाकी की 2 columns भी यहाँ पे अटैच किया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रेड कलर की एक्स्ट्रा कॉर्ड लेना है। मैंने यहाँ पे कॉर्ड को 1 meter में काट लिया है और नीचे की तरफ से कॉर्ड यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम कॉर्ड अटैच करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कॉर्ड अटैच करनी है। सो यहाँ पे मैंने 2 cords को इस तरीके से अटैच किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑफ व्हाइट कलर की कॉर्ड ली हुई है इस तरीके से। ये भी मैंने यहाँ पे 1 meter की कॉर्ड कट किया है और नीचे की तरफ से कॉर्ड अटैच किया है। अब मैंने लिया है 2nd cord, ये भी हमारा ऑफ व्हाइट कलर का कॉर्ड रहेगा और इसको भी हमने यहाँ पर इसी तरीके से अटैच कर लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो है रेड कलर की कॉर्ड अटैच करनी है। ये कॉर्ड भी मैंने 1 meter में काट लिया है और इसको मैंने यहाँ पे रिंग के नीचे की तरफ से इस तरीके से ले करके यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फिर से एक रेड कलर का कॉर्ड अटैच करना है। मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का कॉर्ड ले लिया है और इस तरीके से यहाँ पे रेड कॉर्ड को हमें अटैच कर लेना है। यहाँ पे मैंने टोटल 6 cords अटैच किए हैं, तो इसी तरीके से अब यहाँ पर हमें कॉर्ड अटैच कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी जो है कॉर्ड अटैच किए हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफ व्हाइट कलर कॉर्ड यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑफ व्हाइट कलर की कॉर्ड में बीच में अटैच करनी है, पर बाद में मैंने सभी कॉर्ड यहाँ से हटा दिए ऑफ व्हाइट कलर के। अब मैंने यहाँ पे रेड कलर की कॉर्ड अटैच किए हैं और एक जो कॉल्यूम है उसके बीच में मैंने 4 cords यहाँ पे अटैच किए हैं। अब हम यहाँ पे कहीं से भी जो है इस तरीके से 2 cords ले लेंगे और उसके बीच की जो 2 cords रहेगी उसके अंदर अब हम यहाँ पर एक एक इस तरीके से ग्रीन कलर का बीड्स यहाँ पे फंसा लेंगे। और ये जो ग्रीन कलर का बीड्स हम फंसाएंगे, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक बार यहाँ पे सिंपल नॉट लगा लेना है इस तरीके से। तो अगली कॉर्ड हम ले लेंगे और सेम प्रोसीजर करेंगे। अब इसके अंदर भी हम एक एक यहाँ पे ग्रीन बीड्स को फंसा लेंगे कॉर्ड के अंदर और इसके बाद यहाँ पे हम एक नॉट लगाएंगे। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट कॉर्ड ले लेंगे और उसके अंदर भी हम इसी तरीके से ग्रीन बीड्स को फंसाएंगे। इस तरीके से ग्रीन बीड्स को फंसाने के बाद यहां पे हम एक नॉट लगाएंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले पहली लाइन जो रहेगी वो इसी तरीके से हम पूरी रिंग में ग्रीन बीड्स डाल के कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन बन गई है। अब हम 2nd line बनाएंगे। सेकेंड लाइन को बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2 हमारे knots हैं इसके बीच में हमें नॉट लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ पे हमें इस तरीके से नॉट लगाने के बाद कॉर्ड को खींच लेना है, जिससे कि ये कॉर्ड यहाँ पे गैप नहीं रहेगा और ये नॉट हमारी सिक्योर हो जाएगी।
सो इसी तरीके से हम यहाँ पे सभी नॉट के बीच में हमें नॉट लगा लेना है इस तरीके से। अब बाद में हमें कॉर्ड को खींचना है इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे सेकंड लाइन में जो है बीट्स वगैरह का यूज कर सकते हो, बट मैंने बीट्स का यूज नहीं किया है और सीधा मैंने यहाँ पे नॉट लगाया है इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, हम सेकंड लाइन को भी इसी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड लाइन के बाद हमें थर्ड लाइन बनानी है। सो थर्ड लाइन बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे सेम प्रोसीजर कर लेना है। बस उसी तरीके से हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहां पर भी हम बस इसी तरीके से नॉट लगाएंगे। थर्ड लाइन के बाद हमें फोर्थ लाइन बनानी है। सो सेम प्रोसीजर रहेगा फोर्थ लाइन बनाने का भी। इसी तरीके से हम यहां पर फोर्थ लाइन में भी नॉट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ लाइन के बाद हमें फिफ्थ लाइन यहाँ पे बनानी है। सो फिफ्थ लाइन में भी हम सेम इसी तरीके का प्रोसीजर करेंगे, सिंपल नॉट लगाएंगे। और इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक हाइट तक ये बास्केट जो है बना लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल जो है 10 लाइन बना के कम्प्लीट कर लिए हैं, 9 लाइन बनाए हैं। अब 10वीं लाइन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दो नॉट है इसके बीच में हमें क्या करना है, ये जो है ये लाइन हम बीड्स की बनाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ में हमने एक लाइन बीड्स का बनाया है, तो यहाँ पर भी हमें एक लाइन बीड्स का बना लेना है इस तरीके से। सो दो नॉट के बीच वाली जो दो कॉर्ड है, बीच की कॉर्ड, उसके अंदर हम बीड्स को फंसा लेंगे। और यहाँ पर बीड्स को फंसाने के बाद यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे इस तरीके से। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ये दो नॉट हैं, इसके बीच की कॉर्ड आपको ले लेना है और इसके अंदर आपको सबसे पहले एक बीड्स को फंसा लेना है इस तरीके से। और जब ये बीड्स फंस जाएगा तो इसके बाद हमें यहाँ पर एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेना है इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पे हम जो ये पूरा राउंड है एक बीड्स डाल के नॉट डाल के कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लाइन बना के कंप्लीट किया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 इंचेस का रिंग। अब ये सभी के सभी जो कॉर्ड रहेंगी वो हम इसके अंदर से यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे। सारी कॉर्ड आपको यहाँ पे एक बार में ही निकाल लेनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये कॉर्ड जो है वो ज्यादा है तो इसको हमें यहाँ पे सिंगल टाइम इस तरीके से पाइपिंग करना है। बस एक ही बार हमें यहाँ पे पाइपिंग करना है इस तरीके से। हम इसको सिर्फ सिंगल टाइम यहाँ पे पाइप इन करेंगे। याद रखना है, सिर्फ एक बार पाइप इन करना है आपको इस तरीके से। कॉर्ड को अच्छे से यहाँ पे कर करके एक बार आपको इस तरीके से यहाँ पे सिंगल टाइम पाइप इन कर लेना है इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पूरी रिंग में इसी तरीके से सिंगल टाइम पाइप इन कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिंगल टाइम पाइप इन कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऑफ वाइट कलर का कॉर्ड इस तरीके से नीचे से हमें ये सारी के सारी कॉर्ड के नीचे से हमें ले लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायर नॉट यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे इसको इस तरीके से करके यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये नॉट हमारा हो जाएगा तो इसको हम ऊपर की तरफ में खिसका देंगे इस तरीके से। और बाद में हम सभी कॉर्ड को यहाँ पे खींचेंगे तो ये आपस अपने आप यहाँ पोजीशन में आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो नॉट है इसको हम इसी के अंदर से इस तरीके से ले जाएंगे और यहाँ पे इसको हम राउंड राउंड शेप में घुमा लेंगे, जिससे कि यहाँ पे हमारी सभी के सभी जो कॉर्ड रहेंगी वो यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगी।
इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, एक हाइट तक हम इसे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने एक हाइट तक बनाया है। अब हमें लाइटर की हेल्प से क्या करना है, ये कॉर्ड जो है इसे मेल्ट करके यहाँ पर हम इस तरीके से स्टिक कर देंगे। अब स्टिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो कॉर्ड रहेंगी हमारी, इनको हमें इस तरीके से खींच लेना है जिससे कि सभी के सभी कॉर्ड हमारी यहाँ पे सिक्योर हो जाए और ये जो हमारा पोर्शन है ये बीच में आ जाए। तो सभी कॉर्ड को हम इसी तरीके से खींचेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसे चिपकाने के बाद कॉर्ड को यहाँ पे कट कर लिया है। आपको भी सेम इसी तरीके से एक हाइट पे कॉर्ड को कट करना है। अब आप यहाँ पे दो कॉर्ड को इस तरीके से ले लीजिए, इसके अंदर एक किसी भी कॉर्ड के अंदर बेल्स को फंसाना है और इसके बाद हमें यहाँ पे दोनों कॉर्ड को अच्छे से यहाँ पे मेल्ट करके एक दूसरे के साथ यहाँ पे राउंड शेप में इसे घुमा देना है जिससे कि यहाँ पे ये जो हमारी बेल्स रहेंगी वो इजिली यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। तो कोई भी दो कॉर्ड आपको ले लेना है, उस सिंगल कॉर्ड में फिर बेल्स को फंसा लेना है इस तरीके से और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, राउंड शेप में इन दोनों को मेल्ट करके आपस में चिपका देना है इस तरीके से। सो यहाँ पे इसी तरीके से आपको बेल्स अटैच कर लेनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे पूरी जो कॉर्ड है सभी में ऐसे ही ग्रीन बेल्स को अटैच कर लेंगे।